प्रोफेसर, आपके एक पुराने दोस्त और हमारे सीनियर सहाफी दानिशवर जनाब अताउल्लाह कासमी साहब ने एक सवाल भेजा है जिसमें उन्होंने मजहबी एनआरओ की बात की है। आपकी इजाजत से मैं अगर उन्हें गुजारिश करूँ कि वो तशरीफ ले आए, थोड़ा सा सवाल भी खुद कर लें और आपके बारे में भी थोड़ा सा उन दिनों की बातें थोड़ी सी मुख्तसर बता दें कि जब आपको जोगी भी कहा जाता था। मैं तो सुबह शाम एक दुआ पढ़ता हूँ, अल्लाह मस्त रहो रात ना वो आमिन रहो आता है, अल्लाह तारा हिजाब रहने दो। अताउल्लाह कासमी साहब प्लीज। जिस नाम से पुकारा करता था रफीक अख्तर जोगी साहब, रफीक अख्तर को तो आप लोगों ने आज दरियाफ्त किया है, मैंने उन्हें उसी वक्त दरियाफ्त कर लिया था जब ये अपने कॉलेज में मेरे कुलीग थे। ये शुरू ही से इनका जो मिजाज था वो सूफियाना था और मुझे याद है कि गालिबन पुरानी नारकली में इनका घर था जिसमें कोई ताला नहीं लगा होता था। हम में से जिसका जी चाहता, मैं तो खैर नहीं कभी गया, लेकिन जो मेरे बाकी कुलीग्स थे, दोस्त थे, वो वहाँ जाते थे, जो कुछ होता था पड़ा हुआ वो खा लेते थे और नहीं होता तो साथ ले जाते थे। मतलब एक दरवेशी की ज़िंदगी थी जो इन्होंने हमेशा बसर की इन्होंने। तो उन्हीं से एक इनका मुकालमा हुआ था, उसके बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी और मुझे पता चला कि गुजर खां में इन्होंने बर्तनों की दुकान खोल ली है। उसके बाद फिर बहुत कुछ सुनने में आया और जो कुछ भी मैं इनके बारे में सुनता रहा उस पर मैं यकीन करता चला गया क्योंकि मैं इन्हें जानता था, लेकिन लेक्चर सुनने का इत्तेफाक कभी नहीं हुआ था। वो आज खुशकिस्मत से हुआ है और मुझे हक्कुल यकीन हो गया कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन जैसे अगर हमारे दरमियान दो चार दानिशवर और भी हों तो हमारे हालात बहुत सुधर सकते हैं। सवाल मेरा ये था जी कि क्या जिक्र तस्बीह इबादात से मुआमलात बेहतर हो सकते हैं? बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता क्योंकि पूरी कौम वजीफे पढ़ने और करप्शन में मसरूफ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इबादात को हमने करप्शन का चूर्ण समझ लिया है और यूं हम मजहबी एनआरओ पर यकीन रखें? सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं इनका और अल्लाह का भी शुक्र है कि मेरी दुआ काम कर गई और कुछ राज खुफिया रह गए, शायद अल्लाह ने जुबान बन गई। ये सबसे पहला तस्बीह का असर है, और क्या कह सकते। हाजरा हजरात, सवाल बड़ा माकूल है कि हम तस्बीह और ये जो सारे वज़ाइफ वगैरह कर रहे हैं। एक्चुअली मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब तक आपके किसी को वाज़े अंदाज़े ज़िंदगी और कमिटमेंट नहीं होते, वो तस्बीह पर्सनल और सेल्फिश गिनी जाएगी। मेरा ख्याल ये है कि आप में से जो भी साहब मिले हों, मैंने उनको कभी ये नहीं कहा कि ये तस्बीह जो है मामलात के हल के लिए, बल्कि मैंने हमेशा उनसे ये कहा कि ये सबसे पहले अल्लाह से एक कमिटमेंट है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी, हमारी बातचीत, हमारे अखलाक, हमारे किरदार का एक अकाउंटेबल सेंटर मौजूद है। और थोड़े सही, मगर मेरा ख्याल ये है कि जो लोग भी इस अंदाज में मैं किसी दूसरे उस्ताद का ना हासिद हूँ ना मुझे उनसे गरज है कि व्हाट डू दे टीच, बट आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि एक दफा जब मैं पिंडी से आ रहा था वापस, तो एक थाने जो थे उसके थानेदारों को खबर होगी रवात के पास कि भाई सब बाहर खड़े हैं। मैंने गाड़ी छोड़ी तो सारे के सारे सारा थाना जो था वो 8-10 सब इंस्पेक्टर्स और ASIs बाहर निकला है। उसी वक्त मेरे पास एक मेरा शनासा ग्रुप तबलीग वालों का भी आके उतरा, बाटिंग कर रहे थे, तो जो रिस्पेक्ट उन्होंने मुझे दी उन थानेदारों ने, तो मेरे साथ वाले जो तबलीगी थे कहने लगे प्रोफेसर तुसी ते इन्हां दे पीर हो। मैं कहने पीर नहीं उस्ताद हूँ।
मैं उन्होंने कहा देखो बात सुनो, मैं इन्होंने ये नहीं सिखाता, जो उन्होंने पर्सनल जो कुछ है वो उन्हें मैं नहीं सिखाता। मैं इंसान को ये जरूर बताता हूँ कि जिस चीज के तुम जिम्मेदार हो उसे खुदा की निगरानी में पूरा करो। मैं पुलिस वाले की नमाज से इतनी गरज नहीं रखता, मगर ये जरूर गरज रखता हूँ कि अगर तुम्हारे पास ताकत है और इंसाफ को इस्टेब्लिश करने की तुम्हें अहलियत मौजूद है तो उससे किसी मजलूम का भला और किसी जालिम का साथ ना हो। मगर जब वो खुदा की राह में चलते हैं, जब एक बड़ी बात जो कुरान के मुताबिक वो कर रहे होते हैं, वाला जिक्रुल्लाह अकबर, वो अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह की खातिर याद कर रहे होते हैं, तो छोटी छोटी सारी बातें समझ आती हैं। ये बात नहीं है कि सारे तस्बीह करने वाले एक अंदाज के नहीं होते, मगर मसला उस्ताद का होता है, मसला शागिर्द का, व्हाट आर दे बीइंग टोल्ड, व्हाट आर दे बीइंग टॉट, ये सबसे बड़ा फर्क होता है। तस्बीह पहले भी होती रही है जमाने में, उस वक्त ईरान के लोग भी तस्बीह से इनकलाब लाने का दावा कर रहे हैं, मगर हम लोग बेसिकली आई एम ए टीचर हु डज नॉट बिलीव इन एनी रेवोल्यूशन बट आई सर्टनली बिलीव इन एवोल्यूशन। मेरा ख्याल ये है कि जब तक इंसान तहे दिल से दरूने दिल से रेजिस्टेंस नहीं पकड़ेंगे और इखलाकियात में उन बड़े अलमियात का जो हमारी कौम को दरपेश हैं, जब तक उनके खिलाफ जहनी ताकत से नहीं लड़ेंगे, खाली मजहबी कुव्वत उनके काम नहीं आ सकती। बल्कि अगर उलट देखा जाए तो आप मजहब सबसे बड़ी कुव्वत के तौर पर हमारे अमन व अमान के खिलाफ लड़ रहा है। एंड आई पर्टिकुलरली से कि ये वो मुसलमान नहीं है कि जिनकी आरजू लेकर शायद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मदीना में तशरीफ फरमाओ, यकीनन उनकी आरजू उन मुखलिस सादा दिल साफ सुथरे मुसलमानों की होगी। खा वो छाबड़ी वाला तो सेब देख के बेचता होगा कि ये कहीं खराब न रह दूं, मेरे अल्लाह को नापसंद ना आए, और नौकरी करने वाला इसलिए नौकरी निभा रहा है कि उसकी नौकरी से खलके खुदा को बेहतरी नसीब हो, और फौजी इसलिए लड़ रहा है कि मैंने जान देनी जो है तो मैं उन मकासद को क्यों दूं जो मुझसे मेरे खुदा की खातिर क्यों ना दूं जिसके लिए मेरी जिंदगी बनी है। तो जब सबसे पहले जब टॉप प्रायोरिटी जो एक असूली मौकफ है कि जब आप टॉप प्रायोरिटी अल्लाह को तस्लीम कर देते हो तो आपकी जिंदगी के हर लम्हे की अकाउंटेबिलिटी अल्लाह को पलट जाती है। फिर भी गलतियां हो सकती हैं, मगर अमूमी जिंदगी में एक ऐसा नया सलीका उभरता है जो शायद पहले नजर नहीं आता।